आपने सऊदी अरब के अजीबोगरीब कानून के बारे में तो सुना या देखा होगा, या चाइना के कानून के बारे में सुना होगा, और ऐसे ही वेरियस कंट्री के अजीबोगरीब कानून और नियमों के बारे में सुना या देखा होगा। लेकिन आज मैं आपको यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के अजीबोगरीब नियम और कानून के बारे में बताने वाला हूं। क्या आपको पता है कि यदि कोई इंसान ब्रिटिश पार्लियामेंट में आर्मर सूट यानी ये जो युद्ध में कवच पहनते हैं ना, इसे पहनकर एंट्री करता है तो उसे सजा हो सकती है, चाहे वह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। क्या आप इंडिया में ऐसे किसी आदमी को मार कर बच सकते हो जो आपको नशे में गालियां दे रहा हो? नहीं ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप यूके में ऐसा कर सकते हो तो आपको शायद बिलीव ना हो, बट ऐसा है। आपने कई सारे मूवीज में इन स्कॉटमैन को तो बहुतों बार देखा होगा, किसी स्ट्रीट में इन्हें बजाते हुए। तो बस आप इन्हीं को मार सकते हो। चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इन्हें कोई भी मार सकता है। इन्हें मारना तभी लीगल है जब आधी रात के बाद ये आपको परेशान करे, और इन्हें संडे को नहीं मार सकते हैं, उस दिन इलीगल होता है, और इन्हें गोली मारना भी इलीगल होता है। इन्हें आधी रात को सिर्फ क्रॉसबो से ही मारा जा सकता है। इसके अलावा यदि आप किसी और चीज से इन्हें मारेंगे तो आपको जेल हो सकती, पर मुझे समझ नहीं आता कि इन्हें मारा ही क्यों जाए। यदि आपके हाथ से डाक टिकट फट जाए तो क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बात है, एक क्या 100 डाक टिकट फट जाए? लेकिन अगर डाक टिकट फटने पर आप पर देशद्रोह का मुकदमा चल जाए तो? अगर ऐसा हुआ तो देश में तो भूचाल आ जाएगा, स्पेशली हमारे इंडिया में। लेकिन एक ऐसा देश है गाइस जहां डाक टिकट फटने पर आप देशद्रोही माने जाएंगे, और वो कंट्री कोई और नहीं यूके है। ये वाला यूके नहीं, यूनाइटेड किंगडम वाला यूके। अगर यहां पर आपने डाक टिकट फाड़ा या फिर इनके डाक टिकट पर जो किंग है इन्हें उल्टा करके लगाया तो यह देशद्रोह माना जाता है गाइस। वैसे फॉरेन में कितना सस्ता है ना देशद्रोह का मुकदमा, हमारे इंडिया में तो देशद्रोह का मुकदमा चलवाने के लिए बहुत बड़ा कांड करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी आप बच सकते हो। बताओ साला, डाक टिकट पर देशद्रोह, इसीलिए कहते हैं ना कि इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या आपको पता है कि यदि आप यूके के किसी भी लाइब्रेरी में जुआ खेलते हैं तो आपको जेल हो सकती है? सिर्फ यही नहीं, यदि आप लाइब्रेरी में गाली गलौज करते हैं तो भी आपको सजा हो सकती है। ये कानून सिर्फ यही तक लिमिटेड नहीं है, यदि आप लाइब्रेरी में अपने लैपटॉप या मोबाइल में भी जुआ खेलते हैं तो भी आपको जेल हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी दिन आप अपने घर के बाहर अपनी कारपेट को साफ कर रहे हो और आपको पुलिस उठा कर ले जाए? डेफिनेटली ये बहुत ही खराब काम है, लेकिन यदि आप यूके के लंदन सिटी में ऐसा करते हैं तो आपको पुलिस पकड़कर जरूर ले जाएगी। सिर्फ यही नहीं, इस बेकार से नियम के लिए बकायदा ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेट्रोपोलिटन पुलिस एक्ट पास किया गया, जिसके तहत आप सरेआम कालीन, तो ये वाले कालीन नहीं, यह वाला चटाई, कारपेट, इन सबको बाहर पीट पीट कर साफ नहीं कर सकते। और यदि आपको करना भी है तो आपको सुबह 8 बजे से पहले ही करना होगा, नहीं तो यह इलीगल होता है। अब जो फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो सच में बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स गाइस। क्या आपने कभी सोचा है कि जो ओशियन या बीचेस हैं, यदि कोई कहे कि वह उनकी प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की नहीं, तो क्या होगा? गाइस ये कोई मजाक नहीं है, ब्रिटेन में ऐसा ही है। दरअसल यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की जितनी भी कोस्टल एरियाज, बीचेस, यहाँ तक कि वेल्स, मछलियाँ, डॉल्फिन, वह सभी उनके किंग की है। ये बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, यूके के संविधान में एडवर्ड द्वितीय 1324 नाम का कानून है। इस कानून के अनुसार समुद्र के 5 किलोमीटर अंदर तक की जितनी भी मछलियाँ मिलेंगी पहले उन्हें किंग को समर्पित करना पड़ेगा। और डॉल्फिन पोरपोइज मछलियों को शाही मछलियाँ माना जाता है, और आज भी अगर किंग के वंशज चाहे तो ब्रिटेन के सारे समुद्र बीचेस, मछलियों और 5 किलोमीटर समुद्र के अंदर तक के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्लेम कर सकते हैं।